दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और विशाल है। इसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं और यह अनंत है। दोस्तों, आपके भी मन में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन संभव है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम अंतरिक्ष में अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरह इस ब्रह्मांड में कई और सारे ग्रह मौजूद हैं जहाँ पर आज भी जिंदगी के आश्रय नजर आते हैं। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में पृथ्वी के अलावा सबसे रहने लायक अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेते हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी के अलावा अन्य रहने लायक ग्रहों की खोज की जा रही है। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते धीरे धीरे हमारी पृथ्वी विनाश की ओर गति कर रही है। इसीलिए हमारी पृथ्वी भविष्य में अनंत समय के लिए हमारा घन बनकर नहीं रह सकती। इसीलिए पृथ्वी के अलावा रहने लायक ग्रहों की खोज की जा रही है। तो मित्रों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए 5 सबसे रहने लायक ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकज मौर्य और आप देख रहे हैं मोपिनो, जो कि आपके लिए हमेशा कुछ अद्भुत रहस्यमय और आप इस सुनने लाने की कोशिश करता रहता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं यहां पर आपको एक एक करके 5 ग्रहों के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, केपलर 22b। केपलर 22b केपलर टेलीस्कोप से खोजा गया सबसे पहला और सबसे अनोखी इंसानों के लिए रहने लायक ग्रह है। इसीलिए आज इसको लेकर काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। यह ग्रह हमसे 600 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स दूर है। 2011 में खोजा गया यह ग्रह हमारे पृथ्वी के आकार से 2.4 गुना बड़ा है और इसकी सतह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह का तापमान हम इंसानों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसकी रिवोल्यूशन करने की गति पृथ्वी के दिन के हिसाब से 290 दिन का है। इसका मतलब है कि केपलर 22b पर एक साल 290 दिन का होता है। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल में हर एक ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केपलर 22 भी एक अस्थाई स्टार के चारों तरफ परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों ने केपलर 22 के द्वारा परिक्रमा किए जाने वाले इस स्टार को जी स्टार के नाम से नवाजा है। 2015 में यूरोप के एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने केपलर 22b के जी स्टार से निकलने वाली किरणों को लेकर एक निष्कर्ष जारी किया। वो लोग इस निष्कर्ष पहुंचे कि जी स्टार से निकलने वाली किरणें केपलर 22b को रहने लायक बनाती हैं। इसके अलावा उन्होंने केपलर 22b पर सैलाइड लिक्विड का भी खोज कर लिया है। हालांकि इस ग्रह पर रहने के लिए और भी कई मौलिक इकाइयों के बारे में सोचना पड़ेगा, परंतु हमें आशा है कि एक ना एक दिन हम सब इस ग्रह पर रह पाएंगे। खैर, पृथ्वी के अलावा रहने लायक अन्य ग्रहों की सूची में आगे बढ़ते हुए दूसरे ग्रह के विषय में चलिए जानते हैं। नंबर 2, ग्लेशियर 66 7cc। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अगर पृथ्वी के अलावा अन्य दूसरी कोई ग्रह के ऊपर रहने का विकल्प मिलता है तो आपका जवाब क्या होगा? पता नहीं, चिंता मत कीजिए। पृथ्वी के अलावा रहने लायक अन्य ग्रहों के ऊपर बने इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जवाब जरूर होगा। खैर, मैं यहाँ पर ग्लेशियर 66 cc के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वास्तव में ग्लेशियर 66 7c एक स्टार है जो कि हमसे 22 लाइट ईयर्स दूर मौजूद ट्रिपल स्टार सिस्टम में स्थित है। यह हमारे पृथ्वी से सबसे करीबी रहने लायक ग्रहों का मूल स्रोत है। कहने का मतलब यह है कि इस स्टार के चारों तरफ 6 ग्रह इसके चक्कर काटते हैं। इन्हीं 6 ग्रहों में से 3 ग्रह इंसान के रहने लायक है, इसीलिए इसका महत्व हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। ग्लेशियर 66 के चारों तरफ चक्कर काटने वाले रहने लायक 3 ग्रहों के नाम ग्लेशियर 66, ग्लेशियर 66f और ग्लेशियर 66e है। ग्लेशियर 66 पृथ्वी के आकार से 1.8 ज़्यादा बड़ा है और इससे ग्लेशियर 66 का एक परिक्रमा करने के लिए 28 दिन का समय लगता है। ग्लेशियर 66 हमारे सूर्य से 1.4 गुना आकार में छोटा है। कई बार ग्लेशियर 66 को वैज्ञानिक सुपर अर्थ भी कहते हैं। नंबर 3, HD 85512b। अंतरिक्ष का कोई सीमा नहीं है। जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही नया नया लगेगा। मैंने आपको पीछे ही एक सुपर अर्थ के बारे में बताया है, लेकिन यह आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लेशियर 66 7c के अलावा भी एक खगोलीय पिंड है जिसे एक सुपर अर्थ कहा जाता है। हैरान मत होइए, यह बात सच है कि HD 85512b को भी एक सुपर अर्थ कहा जाता है।
2011 में ही इस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई थी। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने अभी तक काफ़ी सारे रिसर्च कर लिए हैं। यह हमारे पृथ्वी से 35 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 3.6 गुना ज़्यादा बड़ा है और इंसानों के रहने लायक बिल्कुल योग्य है। मैं आपको और भी बता दूँ कि इस ग्रह के सतह का तापमान करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक काफ़ी रुचि के साथ देखते रहते हैं। खैर, ये वीला सितारे के गुच्छे में शामिल है। वीला एक लैटिन शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है पाल। बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुराने ज़माने के नाव के ऊपर कपड़ा लगा होता था, उसी को हम लोग पाल बोलते हैं और इसको हिंदी में सेल बोला जाता है। पाल या वीला तारामंडल खगोलीय गोले के दक्षिण भाग में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसमें कुछ मुख्य तारों को लकीरों से जोड़कर एक काल्पनिक नौ के पाल की आकृति बनाई जा सकती है। हाल ही के खोज में पता चला है कि इस ग्रह पर अस्थायी रूप से पानी मौजूद है, इसी कारण से यहाँ पर हम इंसानों के वंश को विस्तार कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के वायुमंडल को सही तरह से विश्लेषण नहीं किया है, इसी कारण से इसके ऊपर अभी भी थोड़ी सी रहस्यमय वातावरण बनी हुई है। पर हमें तो पूर्ण विश्वास है कि यह एक न एक दिन हमारा दूसरा ग्रह जरूर बनेगा। नंबर 4 ग्लेशियस 581 जी। पृथ्वी के अलावा रहने लायक ग्रहों की इस सूची में यह ग्लेशियस 581 जी सबसे ज़्यादा अद्भुत और अनजाना ग्रह है। कई वैज्ञानिक अभी तक इस ग्रह के बारे में सटीक जानकारी ढूंढ रहे हैं, परंतु ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इसको पृथ्वी की तरह रहने योग्य ग्रह की सूची में शामिल कर लिया है। 2010 के सितंबर की हुई इस ग्रह की खोज हो गई थी, परंतु विडंबना की बात यह है कि इसको लेकर भी वैज्ञानिकों में अभी भी विवाद लगे रहते हैं। पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद यह ग्रह पृथ्वी के आकार से 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। मित्रों, इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह वास्तव में काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का क्लोन भी कहा जाता है। यह ग्रह इसके स्टार को मात्र 30 दिनों के अंदर एक बार पूर्ण रूप से घूम लेता है। वाकई में हमारे पृथ्वी के अलावा भी ऐसे कई ग्रह हैं जिनमें हम कभी रह पाएंगे। आपको इस ग्रह के बारे में क्या लगता है? क्या आप कभी इस ग्रह पर जा पाएंगे? क्या आप इस ग्रह पर कभी जाना चाहेंगे? इन सब सवालों का जवाब अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आप सबका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इसीलिए हो सके तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नंबर 5 ग्लेशियस 581 डी। मैंने आपको ऊपर ग्लेशियस 581 जी के बारे में बताया है, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ग्लेशियस 581 डी के बारे में जानना बहुत ही आसान होगा। खैर, इस ग्रह को एक चीज़ बहुत ही अनोखी और अद्भुत बनाता है, तो मित्रों वह कौन सी चीज़ है? वह चीज़ है इस ग्रह पर मौजूद ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, इस ग्रह पर भी पृथ्वी की भांति ग्रीन हाउस गैस मौजूद है। सबसे पहले इस ग्रह को 2007 में खोजा गया था। कई वैज्ञानिक इसे ग्लेशियस 581 जी ग्रह की सिस्टर प्लैनेट भी समझते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों में काफ़ी समानता दिखाई देती है, परंतु ग्रीन हाउस गैस के मौजूदगी से यह पृथ्वी की तरह ही प्रतीत होता है। यह ग्रह आमतौर पर काफ़ी ठंडा है, परंतु ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इस ग्रह का तापमान बढ़कर इंसानों के रहने योग्य बन जाता है। तो मित्रों, यहीं पर हमारे पृथ्वी के अलावा रहने लायक अन्य ग्रहों के सूची का अंत होता है, लेकिन अब भी आपको कुछ जानना बाकी है। चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा ही है। तो चलिए एक नज़र सूर्य के अलावा पृथ्वी से सबसे करीबी स्टार के ऊपर भी डाल लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि सूर्य के अलावा भी हमारे करीब और भी कई सारे तारे मौजूद हैं? दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष कई सारे तारों और ग्रहों से भरा हुआ है। उन्हीं सारे कई तारों में से एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरीस। यह हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा है। यह हमसे केवल 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसको सबसे पहले साल 1915 में खोजा गया था। यह सेंचुरीस नाम के तारे के समूह में मौजूद है, इसीलिए इसके नाम में सेंचुरी मौजूद है।
मित्रों, इस नक्षत्र के सबसे करीबी अल्फा सेंचुरी नाम का एक तारा मौजूद है। ज़्यादातर लोग अल्फा सेंचुरी के बारे में जानते ही होंगे, पर प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, इसीलिए आप इसको बिना किसी उपकरण के नहीं देख सकते। इस तारे के पास मौजूद प्रोक्सिमा भी हमारे सूर्यमंडल के सबसे करीबी ग्रह है, इसलिए यह तारा के समूह को वैज्ञानिक हमेशा बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा अन्य रहने लायक ग्रहों को यहाँ पर ही ढूंढते रहते हैं। हालांकि आंतरिक बहुत ज़्यादा विशाल है और विकल्पों से भरा हुआ है, परंतु आज का हमारा तकनीक हमें उतना दूर पहुँचाने में सक्षम नहीं है। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा भविष्य बहुत सारे मौकों और विकल्पों से भरा हुआ है। अगर हम हमारे तकनीक को आज के हिसाब से 4 गुना से 6 गुना तक विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं तो यह सारे ग्रह हमारे पहुँच के बाहर नहीं होंगे। परंतु आने वाले समय की बात अभी से सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता, पता नहीं क्या होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, हो सके तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।